वास्तु शास्त्र के अंदर घर से लेकर बाहर तक और पूरे जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें हमें हर चीज के बारे में बताया जाता है, चाहे वे पेड़ पौधे हो या फिर वह जीवन जीने का तरीका हो। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर आप ऐसे पेड़ पौधों को घर में या घर के आसपास लगा लेते हैं तो दुर्भाग्य आने लगता है और साथ ही साथ पैसों की भी तंगी होने लगती है। पहला है बबूल का पेड़। जी हाँ, बबूल का पौधा घर या फिर उसके आसपास नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही अशुभ बताया गया है। मान्यता के अनुसार जिस घर में यह पौधा लगा होता है उस घर के सदस्यों की आपस में कभी नहीं बन पाती और साथ ही वाद विवाद भी बनने लगता है। दूसरा पौधा है कपास का। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में भूलकर भी कपास का पौधा नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि ये पौधा घर में नकारात्मकता का संचार करने लगता है। ऐसा करने पर जीवन में दुर्भाग्य और गरीबी आने लगती है। तीसरा पौधा है मेहंदी का। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में मेहंदी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस पौधे में बुरी आत्माओं का वास माना जाता है। किसी घर में शादी हो और उसके आसपास कहीं मेहंदी का पौधा हो तो वह नकारात्मकता का संचार होने लगता है। इसलिए इस पौधे को कभी भी घर के आसपास या घर में नहीं लगाना चाहिए। चौथा पेड़ है इमली का। वास्तु के अनुसार घर में इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस इंसान के घर के आंगन में इमली का पेड़ लगा होता है उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा डमाडोल रहती है। इतना ही नहीं, इमली का पेड़ घर के आसपास लगा होने से भी रिश्तों में खटास पैदा लगती है। इसी के साथ ही साथ जिस जमीन पर इमली का पेड़ लगा होता है वहां कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। पांचवें है सूखे हुए पेड़ पौधे। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और अगर घर में किसी गमले का पौधा सूख भी जाता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है जिसके कारण जीवन में दुख और परेशानियां भी आने लगती हैं। अगर आप ऐसी ही किसी और विषय से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। वह इसी तरह की अन्य स्टोरी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी गरिमा के साथ।